चलिए बनाते हैं बादाम शेक। अभी आप जैसा कि जानते हैं कितना गर्मी हो रही है, और इसमें अगर आप बादाम की शेक पियोगे तो आपको कूल भी फीलिंग होगा और बहुत ही टेस्टी भी लगेगा। तो यहाँ पे मैंने पिस्ता बादाम और नॉर्मल बादाम को अच्छे से फुला लिया था, और उसको मैंने इसका जो छिलका है वो अलग कर लिया था, और उसको हमने जार में इस तरीके से डाल दिया है। साथ ही में कुछ काजू डाल देंगे 2 से 3, और साथ ही में मखाने कुछ ऐड कर देंगे। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे रूम टेम्परेचर का दूध लिया है, इसको मैंने कढ़ाई पे डाल दिया। ये टोटल 1/2 लीटर दूध है, और इसको हम कढ़ाई में डाल देंगे। उसके बाद इसको हम अच्छे से एक उबाल आने दे देंगे। तो अभी हमारा दूध गर्म होने लगा है, और अब धीरे धीरे इसमें देखिए उबाल आ रहा है, और इस पर एक मोटी परत आ रही है। तो दूध हमारी अच्छे से उबल गई है इस टाइम पे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम इसको चलाते चलाते हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से चलाएंगे। तो यहाँ पे हम मिक्सर ग्राइंडर में जो मखाने डाले थे उसके साथ साथ हम यहाँ पे 3 से 4 चम्मच अच्छे से हम इसमें चीनी डाल देंगे, जितना आप मीठा खाते हो। और उसके बाद हम थोड़ा सा इलायची डाल देंगे, आप चाहे तो कूटा हुआ इलायची या फिर इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। मैंने सीधे इलायची डाल दिया है, और यहाँ पे मैंने 1/2 से 1 कप दूध डाला है। अब इसको हम अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे, और यहाँ पे हमारा जो दूध है, एक देखिए इसमें एक मोटी सी परत आ गई है। तो हमारा दूध अब रेडी है, तो इसको हम हल्के हल्के हाथों से मिलाएंगे, और ये जो हमने पेस्ट तैयार किया था वो हम सारा इसमें ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद हल्के हल्के हाथों से हम इसे मिलाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से मिक्स कर ले, और बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगेगी फ्रेंड्स। अब जो हमने वो वाली जो हमारे ग्राइंडर था उसको अच्छे से हम दूध मिला के और उसका अच्छा से पेस्ट डाल देंगे बचा हुआ भी, और हल्के हल्के हाथों से इसे मिक्सअप करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मिक्स होने के बाद ये कितनी गाढ़ी हो गई है। ये अपने अपने पार्टिकल से एकदम आधी हो चुकी है। ये पहले कितनी थी और अभी देखिए कितनी हो गई है। तो इसको ऐसे ही चलाने के बाद अब ये देखिए एकदम अच्छे से बन चुकी है। अब इसको हम अच्छे से ठंडा कर लेंगे। आप चाहे तो इसको ऐसे भी पी सकते हैं, बट इसको आप ठंडा कर ले पहले फ्रिज में, उसके बाद फिर एक ग्लास ले, शीशा कर ले, चाहे आप जिसका लेना चाहे। और इसमें हम जो हमारा बादाम शेक है उसको हम डालेंगे, दोनों में अच्छे से भर लेंगे। तो बहुत ही इजी और टेस्टी रेसिपी है फ्रेंड्स, एक बार आप ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी लगेगी। हमारी जो बादाम शेक है बहुत ही एकदम बाज़ार वाली बादाम की जो फालूदा मिलती है ना, एकदम वैसी टेस्ट करेगी। ऊपर से हम पिस्ता बादाम, काजू, किशमिश का अच्छे से ड्राई फ्रूट्स का ऊपर से हम थोड़ा सा इसको रख देंगे अच्छा जो ताकि दिखे, और खाने में इसका क्रंच आए। और बस इसको फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे 1 से 1.5 घंटा, उसके बाद हम इसे आराम से इंजॉय करेंगे। हमारा बादाम शेक एकदम अच्छे से रेडी है। तो खाओ पियो और इंजॉय करो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।